शोभित शोभित है शोभित शोभित क्या कहा शोभित कितनी उम्र है? 19 अंकल, 19। पिताजी का क्या नाम है? अमित सहाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 9:20 AM और अभी जस्ट मैं नहा गया हूँ। आज का डेट है गाइस 7 मई संडे और आज है हमारा नीट एग्जाम। जिस दिन के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे आज वो दिन है गाइस, मतलब आज है हमारा नीट एग्जाम। तो आई होप आप सब भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होगे और मैंने भी कर लिया गाइस। बट ये 2 दिन गाइस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही लाइक मैं इन पिछले 2 दिन में बहुत रोया हूँ और ये 2 दिन मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन था। लाइक ऐसा मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ एग्जैक्टली। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो आप पहले ये फ़ोन चेक करो गाइज, ये फ़ोन मेरे भाई का है और आज मेरे पास मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स नहीं है जिससे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करा था अपना और जिससे मैं व्लॉगिंग करता था। और आज गाइज मैं बहुत हिम्मत करके शूट कर रहा हूँ वीडियो। मैं एकदम शूट करने के लायक नहीं था, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं था गाइज। ऐसा 2 दिन बिता मेरा, मैं मैक्स टाइम पुलिस स्टेशन था, मैक्स टाइम घर के बाहर रहा अपने। तो गाइज आपको पहले बताता हूँ कि पूरा सीन क्या हुआ। मैं कल भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ गाइज, ऐसा ऐसा सीन हो रहा है मेरी लाइफ में, बट मैं बोल ही नहीं पा रहा था गाइज। बार बार बोलने टाइम आंसू निकल जा रहा था। और आप लोग सोच सकते हो लाइक, एक तो इतना महंगा फ़ोन, ऊपर से मेरे उसमें इतने सारे फाइल थे। मेरा सिर्फ व्हाट्सअप 20 GB का फाइल था, लाइक उसमें 20 GB का डेटा था गाइज। मेरा नेक्स्ट सॉन्ग जो मैंने रिकॉर्ड करा था, जिसका मिक्स मास्टरिंग हो रखा था मेरे, जिसका मतलब हर काम हो रहा था सॉन्ग का, वो सॉन्ग था उसमें गाइज। मतलब वो सॉन्ग भी मुझे अब दोबारा बनवाना पड़ेगा, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर उसका फाइल का बैकअप नहीं हुआ म्यूजिक वाले के पास। तो और मैक्स चांस है गाइस कि नहीं ही उन लोगों के पास। और उसमें मेरे अराउंड 30,000 पिक्स थे गाइस, लाइक 30,000 पिक्चर्स थे मेरे अराउंड 2-2.5 साल के, उससे पहले का भी मैंने बैकअप करके रखा था उस फोन में। तो वो सारा गुम चुका है, वो सारा खत्म हो गया गाइस। मतलब और उसमें मेरा सारा जीमेल अकाउंट, मेरा यूट्यूब अकाउंट, मेरा यूट्यूब स्टूडियो, मेरा गूगल पे, मेरा फोन पे, मेरा हर चीज़ लाइक A to Z चीज़ था उसमें। और मुझे कभी उम्मीद नहीं था गाइस कि मेरा फ़ोन चोरी होगा, क्योंकि मैं इतना सेफ रखता हूँ अपना फ़ोन लैपटॉप या जिस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ गाइस, उस चीज़ को मैं बहुत संभाल के बहुत केयर रखता हूँ। बट स्टिल उम्मीद नहीं था गाइस कि मेरा फ़ोन स्नैच हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था गाइस। उसके बाद तो सिर्फ एक फ़ोन बचता मेरे पास, वो था आयुष का फ़ोन। उस दिन मैं और आयुष के साथ में गाइस, तो मेरे पास सिर्फ आयुष का फ़ोन था, ना ही जीमेल का एक्सेस था, यूट्यूब का, क्योंकि मैंने सब पे 2-स्टेप वेरीफिकेशन अलाउ कर रखा था। और 2-स्टेप वेरीफिकेशन में आपको नंबर पे आपकी OTP आता है और मेरा सिम कार्ड भी गाइस उसमें था। मैंने स्नैचिंग के बाद मैसेज भी करा मैंने आयुष ने कि भैया प्लीज़ हमें फ़ोन दे दो, क्योंकि उसमें मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप चाहो तो पैसे ले लो, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, ना पुलिस को ना किसी को। बट स्टिल उन्होंने फ़ोन ऑफ कर रखा था गाइस। और मैं आपको पूरा बात बताता हूँ अच्छे से, बट शॉर्टली बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि आपका भी टाइम अगर वेस्ट ना हो। तो ये बात है गाइस 4 मई की रात को अराउंड 11 बजे की, और आज तो मैं सिम निकाल गया अपना 6 तारीख को, मतलब कल मम्मी आई थी मेरी, एज यू नो गाइस मेरी मम्मी आने वाली थी। हम लोग प्लान था नीट के बाद उनका बाहर जाने का, बट सबका मूड बहुत खराब है गाइस। तो मैंने कल सिम निकलवाया अपना सबसे पहले, और अपना मैं जीमेल रिकवर किया हूँ, तो जीमेल से कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ गाइस। मैंने सारा गूगल पे सारा अपना मतलब जितना मैं करवा सकता था सब कुछ रिकवर हो चुका है, बस व्हाट्सअप मेरा फाइल मेरा जो मेन चीज़ें थी सब खत्म हो चुका है गाइस। और अभी कोई होप नहीं है, लाइक 1% चांसेस है कि शायद मिल जाए फ़ोन, शायद ऐसा कोई मेरिकल हो जाए कि मिल जाए फ़ोन। सीन ये था गाइस कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमने कहा था कि आज शाम को हम लोग जाएंगे अपना एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए। तो जो स्टोर है यहाँ पे जहाँ पे हम जाते थे अपना, मतलब कुछ भी काम हो तो हम जाते थे वहाँ पे। तो भैया को मैंने कॉल करा, भैया मैं कितने बजे आ जाऊँ, तो भैया ने कहा कि 10:30 बजे वो बंद करते शॉप को। तो उस टाइम बहुत ही कम लोग, लाइक 1-2 लोग रहते हैं उनके शॉप पे, ऐसे बहुत भीड़ रहता है। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग रात में गए 10 बजे, और ऐसा नहीं कि रात में लोग कभी नहीं गए हुए, मैं हम लोग 12-1 बजे तक भी बाहर रह चुके बाहर, ऐसा कुछ नहीं था कि रात को जा रहे हम लोग कुछ भी। तो हम लोग गए वहाँ पे, मैंने व्लॉगिंग भी करा रास्ते में कि मैं जा रहा हूँ गाइस लाइक अपडेट करने के लिए आपको, क्योंकि एज यू नो गाइस कि मैं डेली पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब पे वीडियो, और मैं करता भी लास्ट दिनों में, लाइक आज मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो हम लोग गए वहाँ पे शॉप पे सारा काम करें, अराउंड आधे घंटे से ज़्यादा लगे वहाँ पे, और हम लोग का गूगल पे काम नहीं कर रहा था गाइस। तो हम लोग के पास ATM था, तो मेन रोड पे जाके हम लोग ATM से पैसे निकालने गए, पैसा भी निकल गया गाइस। और उसके बाद जब हम लोग मेन रोड से आ रहे थे, और मैं मेन रोड के लेफ्ट में था, मेरे राइट में आयुष था, अगर फ़ोन स्नैच होता भी तो आयुष के हाथ से फ़ोन स्नैच होता, क्योंकि वो राइट में था ना, और मैं लेफ्ट में था और मेरे लेफ्ट हैंड में फ़ोन था, मैंने फ़ोन निकाला था फ़ोन से बात करने के लिए मम्मी से। तो उस टाइम वो मेरे पीछे से लेफ्ट से आके मेरा फ़ोन स्नैच करा और लेके चला गया गाइस। मतलब उस टाइम पूरा माइंड ब्लैंक हो गया कि क्या करे अभी और क्या हो गया हम लोग के साथ।
फिर 2 सेकंड बाद मतलब समझ में आया क्या हुआ है, फिर उन्होंने चिल्लाए बहुत जोर से और पीछे से एक ऑटो जा रहा था, मतलब उस टाइम समझ में नहीं आया, ऑटो में बैठ गया, ऑटो वाले बोले, ऑटो वाले भैया प्लीज पीछा करो उसका, मेरा फोन लेके चला गया। तो उसके बाद वो बहुत स्लो था ऑटो, और वो बाइक से था, लाइक पल्सर से था, मैंने उसको देखा, मैंने उसको नोटिस करा था, पल्सर से था, पल्सर NS बाइक से था, पीछे व्हाइट कलर का डिसप्लिन वाला बंदा जिसने मेरा फोन स्नैच करा था। तो फिर हम लोग ऑटो से उतरे, ऑटो से एक बाइक वाले का हेल्प लिए, बाइक वाले ने भी फास्ट करा बाइक, बट स्टिल वो भाग चुका था, हम लोग उसका पीछा नहीं कर पाए, बट फिर भी हम लोग जाना पूरी रस्त तक उसका पीछा करे, लेकिन वो चला गया। उसके बाद हम लोग फिर पैदल आए वहाँ से, और रोते दिमाग खराब करते गाड़ी से आए वहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, कोई भी ऑप्शन नहीं, मेरा फ़ोन, मेरा इकलौता फ़ोन, और मैं, और मुझे पता है गाइस उस फ़ोन को खरीदने के लिए मेरे मॉम डैड ने कितना क्या फेस करा और मैंने क्या फेस करा था गाइस। तो फिर मुझे याद आया अचानक से कि मेरा मैकबुक मेरे आईफोन से क्या बोलते उसको लिंक था, मैंने लिंक कर रखा था, बट व्हाट्सअप वगैरह नहीं कर रखा था लिंक मैंने, बट मैंने अपना फ़ोन को लिंक कर रखा था, कॉन्टैक्ट वगैरह मुझे मिल गया, कॉन्टैक्ट लिंक थे मेरे फ़ोन को मुझे मिल गया। तो मुझे अचानक से याद है कि मेरा मैकबुक सिंक है मेरे फ़ोन से, तो उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरा लास्ट लोकेशन कहाँ पे। तो मैं फटाफट गया घर पे, अपने घर पे गया, लैपटॉप खोला, लैपटॉप में मैंने फाइंड माई आईफोन से, फाइंड माई डिवाइस एक ऐप होता है करके, तो उस पर मैंने देखा कि मेरा फ़ोन कहाँ पे। तो गाइस लास्ट लोकेशन था विकासपुरी का 24/7। तब मेरे दिमाग में क्लिक करा, उस टाइम बहुत हो पाएगा अभी वो फ़ोन मिल सकता है मुझे। तो फटाफट हम दौड़े उत्तम नगर ईस्ट का, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, मैं और आयुष दौड़ के, लाइक आयुष भी गाइस उस दिन बहुत परेशान था मेरे लिए, मेरे फ़ोन के लिए। तो हम फटाफट गए गाइस स्टेशन, और स्टेशन पे गाइस टू बी ऑनर्स 1% का बोलो इंटरेस्ट नहीं करते, वो बोले आप FIR करवाओ, चोर मिलेगा तो फ़ोन मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा तो आप उम्मीद छोड़ो, लाइक ऐसा रिस्पॉन्स था उन लोगों का। उस टाइम ये लग गया कि अब नहीं होने वाला कुछ भी, लाइक जिससे आपको उम्मीद रहती है, जो आपका फ़ोन खोज के देगा, वो आपको अगर ऐसे बोल रहा है तो कैसा उम्मीद रहेगा इस, और ऐसे पुलिस है दिल्ली के, लाइक दिल्ली इंडिया कैपिटल है, और यहाँ के कैमरे वगैरह भी अच्छे नहीं होंगे इन लोगों के पास, जो इन लोग बोले कि आपका फ़ोन, चलो आईफोन है गाइस, आईफोन आप समझते हो, आईफोन का ट्रैक करना बहुत ही ईजी होता है, लाइक आईफोन लेते क्यों है कि इतना सिक्योर था आईफोन, मैंने भी लिया कि मैंने नहीं, बात अपने फैमिली में बोलता था कि आईफोन कभी चोरी नहीं होता, आईफोन मतलब चोरी होता है मिल जाता है ऐसा होता है, बट आज टू बी ऑनेस्ट गाइस आईफोन एकदम सिक्योर नहीं है, आप आईफोन लेने के बाद भी अपने फ़ोन को ट्रैक करके अपने फ़ोन को खोज नहीं सकते हो। तो फिर मैंने मन्नी भैया को कॉल करा, आपने व्लॉग में देखा होगा, एक नीट लाइफ वाले व्लॉग में भैया थे मेरे लैंड ओनर, तो उनको मैंने कॉल करा, भैया ऐसे हो गया, भैया अपने काम को छोड़ के, वो साउथ दिल्ली में थे, वो फटाफट मेरे पास स्टेशन पे आए, भैया ने भी बहुत बोला पुलिस वालों को कि आप चलो मेरे को लोकेशन दिख रहा है, आप मेरे साथ तो दो, मेरा काम तो करो कम से कम, मैं तो होप दे रहा हूँ आपको, मुझे लोकेशन दिख रहा है। तो लास्ट में वो पुलिस वाले माने हम लोग साथ चलने के लिए, बट फिर भी अपने कार में नहीं गए वो, भैया अपने BMW में उन लोग बैठा के, हम लोग बैठ के, मैं आयुष ट्रैक करके उसके पीछे ले जा रहे थे। और ये भी गाइस कि इसमें अपडेट लोकेशन अराउंड 10-20 मिनट बाद कर रहा था, तो वो फ़ोन चल रहा था, और लास्ट में उसका लोकेशन आया मयूर विहार Phase 2, मेरे घर से अराउंड 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था घर उसका। तो फिर भी हम लोग रात में वहाँ पे गए, भैया गए, मन्नी भैया गए, सब साथ में, और लोकेशन जहाँ पे एंड करा गाइस, तो वो कोई पर्टिकुलर घर नहीं शो करा था, लाइक इस घर में आपका फ़ोन है या कुछ भी, वो आपको एक एरिया शो कर दिया, रोड पे शो कर ला के छोड़ दिया, अब बोला यहाँ पे। अब वहाँ पे हम लोग किस किस घर में जाके खोजें, और वहाँ पे अराउंड 2-3 बज के गए रात का, सब कोई बाहर नहीं था उस टाइम। फिर भी उस टाइम मन्नी भैया ने बोला कि चलो हम लोग कम से कम बाइक आपको याद था, बाइक देखते हैं वहाँ पे, बट सर कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला गाइस। और लास्ट में हम लोग को आना पड़ा फिर पुलिस स्टेशन, फिर अराउंड 4-5 बज गया, फिर पुलिस को छोड़े हम लोग अपने घर गए। रास्ते में आयुष ने FIR कराया, IMEI वगैरह नंबर जो भी होते फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो सब आयुष ने पूरा किया, और फिर हमने घर आ गया, और भैया भी चले गए। तो भैया ने बहुत साथ दिया गाइस, जितना कोई लोग नहीं करता है उतना मन्नी भैया ने करा गाइस मेरे लिए, बहुत करा, चीज़ का एहसान, लाइक फ़ोन नहीं मिला बट मेरे दिल पर बहुत बहुत, लाइक मन्नी भैया का मेरे लिए मेरे दिल पर बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे। गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइक अभी फ़ोन कहाँ पहुँच चुका है, और अभी गाइस फ़ोन देखो मैंने फाइंड माई ऐप पर खोल रखा है, फाइंड माई फ़ोन, ये देखो गाइस ये मेरा फ़ोन का लोकेशन है, और ये मेरा लोकेशन है गाइस, और ये देखना आप लास्ट 7:58 में ये फ़ोन अपडेट हुआ था, और कल सुबह से ये फ़ोन करोल बाग में, जहाँ मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अलग करोल बाग में भेज देंगे, ये रहा गफ्फार मार्केट, दिल्ली का सबसे पहला फ़ोन मार्केट है, और ये रहा गाइस मेरा फ़ोन, इसका लोकेशन भी आ रहा है गाइस कि यहाँ पे फ़ोन है, बट स्टिल पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं हम लोग किसका जाके पॉकेट चेक करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, हम लोग को अपने अंदाज से काम करने दो। तो ये लास्ट अपडेट है गाइस, मेरे घर से 13 किलोमीटर दूर है, और 7:58 का अपडेट है गाइस, यहाँ पे मेरा फ़ोन है, यहाँ पे मेरा फ़ोन मुझे दिखते थे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ गाइस। और ये आप देखो मुझे सर्दी हो चुका है, और आप ये देखो गाइस ये सारा स्क्रीनशॉट वगैरह है एक दो कॉन्टैक्ट का,
और ये देखना आप, ये उस टाइम का लाइक गाइस लोकेशन था 4:35 AM का है, हम लोग वहाँ पे थे और ये लोकेशन शो कर रहा था मयूर विहार में फेस टू में। बट आप ही बताओ ये रोड का लोकेशन है, इस पे हम लोग किस घर में जाके खोजें, आप बताओ किस घर में जाके खोजें फ़ोन को, कोई चांस नहीं फ़ोन मिलने का। तो लास्ट में हम लोग थक हार के गाइस घर पे आ गए अपने। तो अब क्या ही कर सकते गाइस, ऐसे ही लोकेशन था गाइस, बट लोकेशन मिलने के बाद भी आज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले ने कहा 4 को ये सब हुआ और मैं 4 को रात में गाइस एक नींद भी नहीं गया लगाई मैंने, घर पे आके मैंने सर्च करा कैसे फ़ोन को ब्लॉक करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे व्हाट्सअप वगैरह, मतलब मैं यही सर्च कर रहा हूँ। और फिर मैंने मम्मी को बता दिया और मुझे गाइस मम्मी को भी बताने का 1% मन नहीं था, क्योंकि मम्मी का उस दिन ट्रेन था रात में, मतलब सुबह को 5 बजे था ट्रेन 5 तारीख को। मम्मी मामी सबको आ रहे थे, सबको खुश थे बहुत कि नीट एग्ज़ाम होगा, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, और मुझे मम्मी को बताने का 1% भी गाइस दिल नहीं था। फिर मैंने सोचा मम्मी को बता देता हूँ, क्योंकि किसको बताऊँगा गाइस और किसको बताऊँगा, दिल हल्का करने बताना पड़ा मुझे। तो मम्मी पापा बहुत उस टाइम सबका मूड ख़राब हो गया, बट इस टाइम मम्मी ने कहा कि कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा एग्ज़ाम पे फोकस करो। बट आप ही बताओ गाइस कि मेरा एकदम दिल नहीं लग रहा गाइस, मेरा एकदम दिल नहीं लग रहा था कैसे, मतलब एक तो 1.5 लाख का फ़ोन था वो, मैं सब बात बता चुका आपको। मैं एकदम उस दिन रात को गाइस मैं 5 तारीख को सुबह 12 बजे लाइक दोपहर के बाद 12:30 बजे मैं करीब गया सोने के लिए, 5-6 घंटे सोया। फिर मैंने फिर पुलिस वाले को कॉल आया, और पुलिस वाले का कॉल भी इसलिए आया क्योंकि मन्नी भी थे मेरे साथ और वो सीरियस थे, लाइक उनको देख के पुलिस वाले ने थोड़ा एक्शन लिया कि वो मुझे बुलाए, फिर अच्छे से बात बात करा के मेरे साथ गए रोड पे कहाँ फ़ोन चोरी हुआ था आपका। बट उस दिन वो लोग कैमरा वगैरह कुछ चेक नहीं करवाए, मुझे घर भेज दी गई और मैं बहुत परेशान हो गया, मम्मी भी बहुत परेशान हो गई। तो फिर पापा ने मुझे कॉल किया, पापा ने बहुत समझाया कोई बात नहीं है, फोन आ जाए क्या हो गया। और कल शाम को भी पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, जो मुझे IO असाइन हुए थे, IO कुछ होता है गाइस उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके कुछ होता है, वो आपको फ़ोन सर्च करेगा, लाइक वो लोग तो बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, आपको IO असाइन होगा तब आपका फ़ोन चेक होगा, चाहे आपका IO कब असाइन हो, आपका कैमरा का फोटो जल्दी हो जाए उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। IO असाइन हुए, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर वो मेरे साथ गए कि कहाँ आपका फ़ोन चोरी हुआ, वहाँ का कैमरा मैंने उनको बताया कि सर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, वहाँ पे कैमरा लगा, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि मैंने IO से चेक करा था। उन्होंने कहा कि कोई कैमरा नहीं यहाँ पे, आपको मैं देखता हूँ क्या करता हूँ मुझे। तो मैंने उनको बताया कि सर यहाँ पे कैमरा वगैरह है, यहाँ पे मंदिर में कैमरा है, तब हम लोग यहाँ कैमरा चेक करने के लिए, और स्टिल गाइस कैमरा क्वालिटी इतना गंदा था कि कोई भी बाइक का या कोई भी कार का नंबर तक नहीं दिख रहा था, लाइक उस टाइम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। और उस टाइम भी एकदम दिल उदास हुए गए कि अभी भी बहुत कम होप दिख रहा था। तो पुलिस वाले ने कहा कि बड़ा टेंशन मत लो तुम, मैं कुछ करता हूँ, जो कुछ भी हो मैं करूँगा। तो मैंने भी कहा सर प्लीज़ कर दो, मतलब मैंने उनके बहुत कुछ कहा। तो ये सब हुआ गाइस, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, इसके अंदर बहुत कहानी है, बहुत लंबा कहानी गाइस, मतलब ये 2 दिन मेरे लिए पूरा वर्स्ट दिन था, लेकिन मेरे लिए मेरा एग्ज़ाम है, मैं कुछ भी रिवाइज तक नहीं कर पा रहा था, मेरा दिल एकदम नहीं लग रहा था गाइस। मम्मी भी आई, मम्मी भी बहुत कोशिश की मैं ठीक हो जाऊँ, बट फिर भी गाइस ना मेरे पास टेलीग्राम था कि मैं आपको अपडेट करूँ उस पर। बट आज मैंने अपने भाई को फोन में सब कुछ खोला है, मैं अभी भी जा रहा हूँ बायो रिवाइज करने के लिए फुल एक बार अच्छे से बुक से, जिसमें मैंने अपना शॉर्ट्स नोट्स बना रखा है, वो मैं करूँगा मेरी रिवाइज अच्छे से, क्योंकि लास्ट टाइम रिविजन में बहुत जरूरी गई और मैं 2 दिन से एकदम रिविजन नहीं हुआ। बट मैं अभी नहीं करता रिवाइज क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले कोई भी नहीं करता है, बट मैंने 2 दिन से कुछ भी पढ़ाई नहीं करा गई, आज 3रा दिन है। नहीं गाइज आज पहली बार मुझे इतना सैड देखा होगा, लाइक मैं हमेशा हंसते रहता हूँ क्योंकि मैंने पापा से सीखा हंसना कि हर सिचुएशन में हंसना, मैं आपको वो भी बताऊंगा कभी। बट इन 3 दिनों में गाइज मेरे फेस पे हंसी तक नहीं आई है, मैं बहुत बहुत डीमोटिवेट, बहुत सैड गाइज। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ रिविजन करने, लाइक ये मेरा शॉर्ट नोट्स है और इसका मैंने आधा करा है सुबह से, आधा और बचा हुआ है तो ये जल्दी से मैं करता हूँ कंप्लीट। वैसे मेरा बायो 100% कवर है गाइज, बस एक बार अच्छे से फिर से देख लेता हूँ, लाइक आधा बचा हुआ मुझे देखना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं करा गाइज 2 दिनों से, तो जो होगा अच्छा होगा, बस होप बेस्ट। अभी कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ फ़ोन के बारे में, क्योंकि अभी सोचूंगा मेरे एग्ज़ाम भी बहुत ख़राब हो जाएगा गाइज। तो अभी मैं करता हूँ रिवाइज करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है।